बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़ुज़ा नदीम। आज हम बना रहे हैं खजूर के बिस्किट रोल। बिस्किट रोल बनाने के लिए 100 ग्राम मक्खन है, रूम टेम्परेचर पे लिया था हमने इसको। एक अंडा है, एक कप आइसिंग शुगर है, एक छोटा कप सूजी है, 2 टेबल स्पून कम है, एक कप में से मैदा है, एक पिंच नमक शामिल करेंगे, खेवड़ा इस्तेमाल करेंगे, खजूर के अंदर डालेंगे, एंसेस इसके अंदर 1-2 कतरे डालेंगे। बताते हैं आपको बनाने का तरीका। चीनी और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा इसको बीट करके अंडा शामिल करेंगे। लैक्टर बीटर हो उससे भी बना सकते हैं। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अंडा शामिल करेंगे एक। तीन चार मिनट के लिए अच्छा सा बीट कर लेंगे। तीन चार मिनट इसको अच्छा से हमने बीट किया है। ये माशाल्लाह से ऐसे इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। वनीला एसेंस के कतरे डालेंगे। तीन चार ड्रॉप्स वनीला एसेंस डाला हमने। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें मैदा और सूजी मिक्स कर देंगे। नमक भी डाल दिया, मैदा भी शामिल कर देंगे। तकरीबन इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे, सेट हो जाएगा। फिर इसके हम रोल बनाएंगे। बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। इसको बेल लेते हैं, हल्का सा मैदा रस कर लेते हैं। इसको बारीक बेलना है। बारीक बेलने के बाद फिर इसका रोल बनाएंगे। ये हमारे पास खजूर है 100 ग्राम बारीक सॉफ्ट वाली। इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर,
एक दो कतरे खेवड़ा के डालेंगे, बहुत प्यारी खुशबू आती है। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इजी आसानी से हो जाती है मिक्स। इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद हल्का सा इसको इसके अंदर खजूर की फिलिंग करेंगे। हल्का सा इसको फोल्ड करेंगे। हाफ की हम फिलिंग करेंगे खोपरे और बादाम से। कसम मैदा लगाएंगे।
इसको हम सिंपल बनाएंगे वैसे ही। तिलों को हमने पहले से 15 मिनट पहले चूल्हे पर रख दिया था। ये माशाल्लाह से 20 मिनट लगे हैं, ये हमारे बेक हो चुके हैं। माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आ चुका है, इसको निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है, बाकी के भी ऐसे बेक कर लेते हैं। बस आज की हमारी खजूर रोल बिस्किट की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। ज़रूर ट्राई करना, माशाल्लाह से ये इतने मज़े के और टेस्टी बने हैं। ये खजूर में बनाए थे हमने, खजूर रोल में कुछ हमने तिल पे तिल लगा के बनाए थे, कुछ चॉकलेट के साथ, थोड़े से डोसे। माशाल्लाह से इतने ज़्यादा बने हैं, बहुत इजी आसान है। 20 मिनट में ये बेक हो चुके थे, चूल्हे पे हल्की आंच पे किए हमने। ज़रूर ट्राई करना व्यूज, आज की हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर किया करें। हमारी वीडियो बहुत आसान होती है, आगे भी शेयर किया करें। अगले वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।